अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 4 फाइनेंशियल अरिथमेटिक की एक्सरसाइज 4.6। लास्ट टाइम हमने इसका क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस किया था, आज हम इसका करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। अगर आप इसके क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट की तरफ आएँ तो आपके पास गिवन है टू फेल बाय सम आइटम्स फ्रॉम अ स्टोर, उसने स्टोर से कुछ आइटम्स खरीदी हैं। अ स्पेशल डिस्काउंट ऑफ 15% इज ऑफर्ड ऑन फूड आइटम्स एंड 20% ऑन अदर आइटम्स। मतलब कि उसने जितनी भी आइटम्स उधर से चीज़ें खरीदी हैं उसमें से जो फूड आइटम्स है, जो खाने की चीज़ें हैं, उस पर जो उसको ऑफर हुआ है वो है 15% डिस्काउंट, और इसके अलावा जो दूसरी चीज़ें उसने ली हैं उस पर उसको जो डिस्काउंट ऑफर हुआ है वो है 20%। इफ़ ही परचेजेस फूड वर्थ रुपीज़ 1250 एंड अदर आइटम्स वर्थ रुपीज़ 750, फाइंड द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट एंड सेल प्राइस ऑफ ईच सेपरेटली। मतलब कि आपके पास वो कह रहे हैं कि उन्होंने फूड आइटम की जो टोटल अमाउंट है जितनी की उसने ली है वो उन्होंने बता दिया कि 1250 है, उसके अलावा जो दूसरे अदर आइटम्स की जो है हमारे पास प्राइस है वो है रुपीज़ 750। वो कह रहे हैं कि आपने फूड आइटम्स और अदर आइटम्स दोनों की सेल प्राइस फाइंड करनी है, उसके अलावा हमने दोनों का डिस्काउंट नहीं, बस हमने जस्ट इसमें सेल प्राइस फाइंड करनी है और हमने देखना है कि हमारे पास कितना डिस्काउंट बन रहा है। परसेंट उन्होंने डिस्काउंट बताया हुआ है, अब हमने देखना है कि जितना भी उन्होंने ख़रीदा है सामान उसमें से उनका टोटल अमाउंट कितनी है जितनी के वो बन रही है डिस्काउंट की। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फूड आइटम का कर लेते हैं, उसके बाद हम अदर आइटम्स का कर लेंगे। तो अब सबसे पहले जो आपके पास गिवन है वो है कॉस्ट प्राइस ऑफ फूड आइटम। पहले हम फूड आइटम की बात कर रहे हैं, कितनी है रुपीस 1250। इस पर आपके पास डिस्काउंट क्या गिवन है, इस पर फूड आइटम्स पे है 15% डिस्काउंट, तो हमारे पास जो आ जाएगा परसेंटेज डिस्काउंट वो है 15%। ठीक है, अब आपने क्या करना है, हमने सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है फूड आइटम्स की, सेल प्राइस ऑफ फूड आइटम्स। ठीक है, तो सेल प्राइस को मैंने कहा था हम एस डॉट बी से डिनोट करते हैं और कॉस्ट प्राइस को हम करते हैं सी डॉट बी से। अब क्या करना है, अब मैंने आपसे कहा था कि ये जो परसेंटेज डिस्काउंट है जहाँ पे भी आपके पास आ जाए तो वहाँ पे हमने कौन सा फॉर्मूला लगाना है, सबसे पहले परसेंटेज डिस्काउंट का। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी, एज वी नो डैट, परसेंटेज डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज डिस्काउंट किसके इक्वल है हमारे पास, वो इक्वल है हमारे पास डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस। ठीक है, डिस्काउंट डिवाइडेड बाय आपके पास क्या होता है मार्केट प्राइस से फॉर्मूले में, जी आपके पास है मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो ये जो है ये आपके पास मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस ऑफ फूड आइटम। ठीक है, तो अब देखें हमने इस फॉर्मूले में क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है, पुटिंग वैल्यूज, परसेंटेज डिस्काउंट कितना है 15 इक्वल्स टू, डिस्काउंट तो हमने फाइंड करना है इसलिए मैं इसको वैसे ही लिख दूंगी। इसके बाद है आपके पास मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस कितनी आ रही है 1250 मल्टीप्लाई बाय 100, ये वाला ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल, ये वाली टर्म इसके साथ डिवाइड हो रही है डिस्काउंट के साथ, तो मैं क्या करूँगी इधर जाके इसे कर दूँगी मल्टीप्लाई, डिवाइड का ऑपोजिट ऑपरेशन क्या होता है मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा हमारे पास 15 मल्टीप्लाई बाय 125 इक्वल्स टू, क्या रह गया आपके पास इधर, डिस्काउंट मल्टीप्लाई बाय 10।
अब अगर आप 125 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आता है 1875, ठीक है, डिस्काउंट मल्टीप्लाई बाय 10। अब देखें आपके पास क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है 10, जब ये दूसरी साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो मैं क्या करूँगी, 1875 को डिवाइड कर दूँगी 10 से और डिस्काउंट यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा सेपरेट, ठीक है। अब क्या करूँगी, जब हमने इसको सिंपल डिवाइड किया तो आपके पास जो इसका आंसर आता है वो आता है 187.5 डिस्काउंट इक्वल्स टू रुपीस 187.5, ये हमारे पास है इसका डिस्काउंट। अगर तो इतने प्राइस पे उसे 15% डिस्काउंट हो रहा है तो इसका मतलब है कि उसने जितने पैसे पे किए हैं वो हैं, जितने परसेंट उसे डिस्काउंट हुआ है वो है 187.5 रुपीज़। अब हमने क्या करना है, सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है, सेल प्राइस। तो सेल प्राइस का फार्मूला क्या होता है जिसमें डिस्काउंट यूज़ हो, डिस्काउंट इक्वल्स टू मार्केट प्राइस माइनस सेल प्राइस, पुटिंग वैल्यूज मार्केट प्राइस की वैल्यू क्या है हमारे पास, मार्केट प्राइस की जो वैल्यू है वो है 1250, डिस्काउंट है मेरे पास 187.5, मार्केट प्राइस क्या है 1250 माइनस सेल प्राइस। सेल प्राइस मैंने फाइंड करनी है इसलिए मैंने उसे एस डॉट भी लिख दिया। अब ये देखें, ये वाली जो वैल्यू है इसके यहाँ पे हो रही है उस दूसरी एस सेल प्राइस के साथ प्लस हो रही है, दूसरी साइड पे जब ये आएगी तो प्लस का ऑपोजिट ऑपरेशन क्या होता है, माइनस। तो दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगी, माइनस। अब जब ये इधर आके माइनस होगी, 187.5 माइनस 1250, तो आपके पास इसका आंसर क्या आएगा, आपके पास आएगा माइनस 1062.5 इक्वल्स टू माइनस एस डॉट पी, एस डॉट पी मतलब सेलिंग प्राइस। ये वाला माइनस इस माइनस के साथ कैंसिल हो गया तो आपके पास क्या रह गया है, आपके पास जस्ट रह गया है सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू रुपीज़ 1062.5। हमारे पास जो फूड आइटम की सेल प्राइस आई है वो कितनी आई है, 106.2 ये हमने किसकी फाइंड की है, ये हमने फाइंड की है सेल प्राइस ऑफ फूड आइटम। अब हमने क्या करना है, हमने जो फाइंड करनी है वो करनी है अदर आइटम्स की सेल प्राइस। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ तक वैसे ही रहने देती हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें आपकी दूसरे वाले पार्ट में भी यूज़ होनी है, ये वाला पार्ट मैं रेस कर देती हूँ, ठीक है। हमने क्या यूज़ करना है दूसरे वाले पार्ट में, ये चेंज हो जाएगा, ये प्राइस चेंज हो जाएगी और फूड की जगह पे आ जाएगा अदर आइटम्स। अब मैंने क्या करना है, अदर आइटम्स को फाइंड करना है, तो मैं लिख दूंगी मार्केट प्राइस ऑफ अदर आइटम्स कितनी है, रुपीस 750, डिस्काउंट है उस पर 25%, और इसके अलावा सेल प्राइस ऑफ अदर आइटम्स ये मैंने फाइंड करनी है। सेम वही प्रोसीजर है जैसे मैंने फूड आइटम्स फाइंड किए हैं, आपने अदर आइटम्स भी बिल्कुल इसी तरीके से फाइंड करनी है। परसेंटेज डिस्काउंट का फॉर्मूला लिखना है, पुटिंग वैल्यूज लिखना है और वैल्यूज़ को पुट कर देना है। परसेंटेज डिस्काउंट अब कितना है, 25, ये आ जाएगा 25, देख लेते 25 ही है ना, नहीं 20% है, मैंने 25 लिख दिया है, 20 है, ठीक है। कितना है परसेंटेज डिस्काउंट, 20,
उसके अलावा 750 ही है आपके पास, जी 750 ही है। डिस्काउंट को हमने फाइंड करना है, इसलिए डिस्काउंट को मैं वैसे ही लिख दूंगी। और मार्केट प्राइस जो मेरे पास है वो है 750 मल्टीप्लाई बाय 100। ये 0 0 से कैंसिल। अब क्या होगा आपके पास, ये डिस्काउंट के साथ 75 डिवाइड हो रहा है, तो दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। अब जब ये दूसरी साइड पे आएगा तो 20 मल्टीप्लाई बाय 75 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 150, और इस साइड पर आ जाएगा डिस्काउंट मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, अब क्या करना है, डिस्काउंट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 10, तो दूसरी साइड क्योंकि हमने डिस्काउंट को के सेपरेट करना है, तो 10 आपके साथ जिसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। 1500 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल्स टू डिस्काउंट, ये 0 0 से कैंसिल, ऊपर क्या रह गया, जस्ट डिस्काउंट जो आपके पास बन रहा है वो है 150 इन रुपीस। ठीक है, ये बन गया मेरे पास डिस्काउंट। अब मैंने क्या करना है, मैंने फाइंड करना है सेल प्राइस ऑफ अदर आइटम्स। तो सेल प्राइस जिस पे डिस्काउंट भी वर्ड यूज़ हो, तो ऐसा फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि डिस्काउंट इक्वल्स टू मार्केट प्राइस माइनस सेल प्राइस। तो एज वी नो दैट डिस्काउंट इक्वल्स टू मार्केट प्राइस माइनस सेल प्राइस, वैल्यूज पुट कर दें इसके अंदर, पुटिंग वैल्यूज। डिस्काउंट मेरे पास क्या आया, 150 इक्वल्स टू मार्केट प्राइस जो मेरे पास थी वो थी 750 माइनस सेल प्राइस। अब 750 के साथ प्लस का साइन है, क्योंकि मैंने आपसे कहा था जिसके साथ कोई साइन ना हो प्लस होता है। तो जब ये दूसरी साइड पे 750 जाएगा, तो प्लस का ऑपोजिट ऑपरेशन क्या होता है, माइनस। तो दूसरी साइड पे जाके ये क्या हो जाएगा, माइनस 750 इक्वल्स टू माइनस एस पी। जब मैं 150 के अंदर 750 के अंदर से 150 को माइनस करूँगी, तो मेरे पास इसका आंसर आएगा 600 इक्वल्स टू माइनस एस पी, और साथ में इधर माइनस। मैंने आपको ये भी बताया था कि माइनस जो होता है, क्यों मैंने इधर लगाया है, क्योंकि आपके पास इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, 750 है। तो 750 के साथ जो भी साइन होगा वो हमने लगाना होता है, तो 750 के साथ माइनस का साइन है, इसलिए मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगी, माइनस। ये वाला माइनस इस माइनस से कैंसिल, तो मेरे पास जो सेलिंग प्राइस बनी है, सेल प्राइस इक्वल्स टू रुपीस 600, ये किसकी है, अदर आइटम्स की। ठीक है, हमने इस तरह फूड आइटम्स की सेल प्राइस फाइंड की है और अदर आइटम्स की सेल प्राइस फाइंड की है। अगर आप एक की सेल प्राइस फाइंड करना सीख लेते हैं, तो दूसरे की आप बिल्कुल एज इट इज़ उन्हीं स्टेप्स को यूज़ करते हुए फाइंड कर लेते हैं। इस तरह आज हमने जो इसका क्वेश्चन कंप्लीट किया है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अगर आपको इसके किसी भी स्टेप में कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उससे रिलेटेड जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही होगी उसका सॉल्यूशन बता दूंगी। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, तो आप मेरी वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा।